हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं निधन की इस खबर पर। सभी ने अपना शोक व्यक्त किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की, दुख व्यक्त किया, अनुभव बताए। जाहिर सी बात है, आप भी बहुत पीड़ा में होंगे, व्यक्ति के तौर पर भी, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी। देखिए, जैसे कि माननीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही कष्ट का विषय है, दुख का विषय है जी। और क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने उनको विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस शालीनता से बात करते हुए, जिसे अपनी बात को बड़ी प्रखरता से रखते हुए और एक मार्गदर्शक की भूमिका में मैंने उनको देखा जी जी। और मैं जानता हूं कि हमारे दल अलग हो सकते हैं, हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी निर्णय पे पहुंचने से पहले वो सही मार्गदर्शन हम सबका करती थी। क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, उनके अनुभव से भी मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मेरा अध्यक्ष विधानसभा के रूप में बड़ा अच्छा मेरा सम्मान वो करती थी। अभी 3 दिन पहले ही मेरे उनसे टेलीफोन पे बात हुई जी जी। किस प्रकार से उनका बोलने का ढंग, किस प्रकार से उनको बोलने का तरीका, वो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत ही, उनका जाना बहुत कष्टकारी है। मैंने उनको बहुत नजदीक से भी देखा है जी जी। और मैं जानता हूँ कि 1974 से लगातार वो विधान परिषद की सदस्य रही, उसके बाद विधायक रही, फिर वो हमारे उत्तराखंड में एक वरिष्ठ मंत्री रही और उसके बाद फिर वो नेता प्रतिपक्ष रही। और मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, अनेकों बार मेरे को उनका बहुत मार्गदर्शन भी मिला है। और मैं तो वास्तव में कह सकता हूँ कि उनका जाना हमारे लिए व्यक्तिगत छवि हो ये है, हमारे उत्तराखंड की एक क्षति है और विधानसभा की तो ये क्षति है ही है। मैं आज वास्तव में उनके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि जिस प्रकार से उनका शालीन व्यवहार, उनका अनुभव वो आज हमें वंचित कर देगा, इस रूप से हम बहुत दुखी है। प्रेमचंद जी, आप तो विधानसभा अध्यक्ष हैं और आपकी अध्यक्षता में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थी, और जितने अनुभव मैंने लोगों के सुने, मंत्रियों के सुने, मुख्यमंत्री के सुने, पूर्व मुख्यमंत्री के सुने, सबने कहा कि संसदीय कार्यों का जो एक्सपर्टीज, जो ज्ञान उनको था, वो अनमैच था, उसकी तुलना नहीं हो सकती। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि वो सदन में भी उनका व्यवहार बड़ा शालीन भी होता था, अनुभवी भी दिखता था, और कहीं ना कहीं जब हमारे सामने कोई विषय ऐसा आता था उसका वो मार्गदर्शन जैसा व्यवहार भी उनका रहता। मुझे कार्य मंत्रणा की जो समिति के दौरान जब हम बैठते थे, अब आपको पता ही है सदन जब चलता था तो कार्य मंत्रणा की समिति के निर्णय के बाद ही सदन संचालित होता है। बिल्कुल। उस समय कभी कोई विषय सामने आता था तो वो उनका जो अनुभव है, वो उनका जो जो ज्ञान था, संसदीय ज्ञान, उस अनुभव का लाभ हम लोग ले लेते थे। ऐसे अनेकों क्षण आए, मुझे याद है कि जब भी एक उनकी विशेषता और थी इसके अलावा जी, वो विशेषता उनकी ये थी कि माना कि मैं उनके दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं उनसे मत भिन्नता यदि रखता हूँ या उनके विचारों से मेरी मेल नहीं खाता, हम भिन्नता रखते हैं जी, तो भी यदि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं उसकी हमेशा सराहना करती थी जी जी। और मेरे को बहुत ऐसे मौके आए जब उन्होंने मेरे विधानसभा के, जब मैं संचालन जिस प्रकार से मैं करता था, मैं एक छोटा सा एक वृत्तांत आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। पिछले दिनों एक मेरी विधानसभा की एक पुस्तिका थी, उसका विमोचन मुझे महामहिम राज्यपाल जी के हाथों करवाना था, तो आपको भी आमंत्रण था, आप आई, अनेकों विधायक थे, मंत्रीगण वहाँ पे मौजूद थे, अनेकों ऐसे लोग थे जिनको मैंने वहाँ पे आमंत्रण दिया था। सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने टिप्पणी की वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वो किसी अच्छे चीज का वो वर्णन करती थी, वो उस बात को नहीं देखती थी, मैं कांग्रेस में हूँ, वो भाजपा का है, इससे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, बहुत दिमाग से अपनी बात रखती थी। और उस समय उन्होंने कहा कि मैंने प्रेमचंद अग्रवाल का वो रूप देखा है कि जब ये विपक्ष के विधायक होते, यानी मैं जब तीसरी बार से विधायक हूँ, तीसरी बार में विपक्ष का विधायक था, कांग्रेस की सरकार थी, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र के कोई भी मुद्दा जब उठाते बड़ा मैं आक्रमण मुखर होकर मैं उठाता था। तो उन्होंने कहा कि एक वो स्वरूप मैंने प्रेमचंद अग्रवाल का देखा है कि जब ये मुखरता के साथ और बड़े आक्रामक रूप से ये सदन में अपनी बात उठाते, मैंने वो रूप देखा है। और आज मैं ये रूप देख रही हूँ कि अध्यक्ष विधानसभा के रूप में बड़े शालीन तरीके से बड़े अच्छा संचालन ये कर रहे हैं जी जी। और मैं इनके इस व्यवहार की मैं सराहना करती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा संचालन शायद मैंने, इतना मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे नहीं देखने को मिला। इस प्रकार की टिप्पणी उनके द्वारा मेरे लिए की गई। और एक मेरा अध्यक्ष विधानसभा का कोई कोष होता है वो हमेशा रहा है,
उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार पता चला कि अध्यक्ष विधानसभा को कोई कोष होता है, इसके लिए मैं प्रेमचंद अग्रवाल और इनके कार्यालय की सराहना करती हूँ। यानी कोई मौका वो नहीं छोड़ते थे कि यदि मुझे मेरे बारे में कोई अच्छी टिप्पणी करनी हो तो तुरंत उस पर अच्छी टिप्पणी करती थी। यानी कि उनके अंदर वो भाव जो था, आत्मीय भाव, एक बड़े छोटे का भाव, बड़ा ये बड़ी वो है तो हमें छोटे को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उसमें उनका मार्गदर्शन, किस प्रकार से वो किस पार्टी में है नहीं है, यदि कोई अच्छा कर रहा है उसको प्रशंसा करना था, जो भाव उनके अंदर था वो निश्चित रूप से हमें चालता रहेगा, हमेशा हमें याद आता रहेगा। और मुझे तो बहुत कष्ट है, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको कह सकता हूँ, मैं इसको लेके मैं बहुत दुखी हूँ। अब प्रभु से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोभापुल अपने जितने भी लोग हैं जी। और आप देखिए इस कोरोना के कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने इस उम्र में रहते हुए भी कभी उन्होंने अपने घर में नहीं बैठी, लगातार वो मुख्यमंत्री से बात करनी हो, गरीबों की सेवा के लिए कुछ भी करना हो, तो ऐसा नेता आज हमारे बीच में नहीं है। मुझे और हम सभी को बहुत दुख है। धन्यवाद हम बात करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी।